उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसको लेकर नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई और नोएडा प्राधिकरण की चेयरमैन रितु माहेश्वरी बेहद चिंतित हैं। इस कड़ी में नोएडा में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए नोएडा प्रशासन व प्राधिकरण ने 50 बेडों का अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार किया है, जिसे आज सुबह से शुरू कर दिया गया। यह अस्पताल नोएडा के सेक्टर 21 स्टेडियम के शूटिंग रेंज में बनाया गया। इस अस्पताल में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की भी सुविधा की गई। इसके साथ ही सभी बेडों पर ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया गया है। अस्पताल में 80 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने इस अस्पताल के लिए कई एनजीओ की भी सहायता ली है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में कोरोना के हल्के लक्षण वाले साथ ही 90 से ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल वाले मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा। खबर ये भी है कि इस अस्पताल को शुरू करवाने में अडानी का बड़ा सहयोग रहा है। फिलहाल आज से अस्पताल को शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों का आना भी शुरू हो गया। हमारे कुल मिला के 50 बेड हैं, 50 बेड। अभी हमने सुबह 10 बजे पेशेंट लेने शुरू करे। इन 2 घंटे में हमारे 2 पेशेंट आ चुके हैं। हम माइल्ड पेशेंट्स ले रहे हैं। क्राइटेरिया है कि उनका जो SpO2 है वो 90 से अबव हो। ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं फॉर माइल्ड पेशेंट्स एंड दैट्स व्हाट वी आर।